हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोग्राफी का लाइ आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्बन जोग्रफी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टें थ्योरी कंसेंट्रिक जोन थ्योरी ऑफ अर्बन लैंड यूज बाय अर्नेस्ट बर्गस अर्बन लैंड यूज़ के लिए सबसे पहली थ्योरी आई थी इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट थ्योरी दैट वॉज टोटली बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ अर्बन लैंड यूज ओके इट वॉज गिवेन बाय अर्नेस्ट बर्गस सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो ओके okay. सो so, जैसे कि मैंने बताया दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाई प्रोपांडेड बाई ई डब्ल्यू बर्गेस एक अर्बन सोशलॉजिस्ट थे ही वाज नॉट अ जोग्राफर ठीक है नॉट अ नॉट अ अर्बन प्लानर वाट्स एवर ही वाज अ सोशलॉजिस्ट ठीक अर्बन सोशोलॉजिस्ट थे 1925 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी ठीक बहुत सारी जगह पर नाइनटीन ट्वेंटी भी दिया होता है बट नाइनटीन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड ठीक नाइनटीन ट्वेंटी में इन्होंने थ्योरी दी थी और इन्होंने अमेरिकन सिटीज़ की स्टडी की थी एक जनरल स्टडी द जनरल सिटीज ऑफ अमेरिका ठीक है बट पर्टिकुलर टू शिकागो शिकागो वॉज अ मेन सिटी जिनकी उन्होंने स्टडी की थी बट उन्होंने एक जनरलाइज स्टडी बाकी शहरों की भी की थी बट जो लार्ज स्केल स्टडी थी डेट वॉज ऑन ऑन द सिटी ऑफ शिकागो बर्गस ने ये पहला जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने अपने रिसर्च पेपर पर द ग्रोथ ऑफ सिटी एंट्रोडक्शन टू अ रिसर्च प्रोजेक्ट इस नाम में इस नाम के रिसर्च पेपर में दिया था और ये रिसर्च पेपर या ये पेपर ये चैप्टर द सिटी नाम की बुक में पब्लिश हुआ था और ये द सिटी नाम की बुक बर्गस और आरी पार्क इन दोनों ने मिलकर लिखी थी इसमें शायद एक और राइटर थे डिकेंसन शायद ठीक और ये 1925 में ये बुक पब्लिश हुई थी सो कुल मिलाकर के बर्गस ने शिकागो सिटी पर अध्ययन किया था जो कि उनकी मेजर सिटी थी बाकी एक जनरलाइज अमेरिकन सिटीज़ का भी स्टडी किया था और इनकी जो ये रिसर्च पर है या जो पेपर है ये द सिटी नाम की बुक में पब्लिश हुई थी दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज कंसर्ट्रिक जोन मॉडल और जोनल थ्योरी ऑफ अर्बन लैंड यूज जोनल थ्योरी बिकॉज इसमें जोनस हैं ठीक इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट थियोरिटिकल मॉडल्स इट वजी प्रपांडेडेडेडेडेड द कंसेंट्रिक जोन थ्योरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ द सिटी बरगेज ने एक ये थ्योरी की दी ही गेव दिस थ्योरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कि कैसे स्ट्रक्चर होता है एक पर्टिकुलर सिटी का और कैसे कोई सिटी ग्रो करती है ओके द हेपाथिस ऑफ द स्टोरी इज दैट सिटी इज ग्रो एंड डेवलप आउटवर्डली इन द कंसेंट्रिक जोन्स वो लोग अभी पूरे थ्योरी में यही पढ़ेंगे कि उनकी थ्योरी की हाइपोथेसिस क्या थी कि जो तो जितने भी शहर होते हैं वो शहर दे ग्रो आउटवर्ड मतलब एक सेंटर से बाहर की तरफ ग्रो करते हैं और कंसेंट्रिक जोन्स के फॉर्म्स में सर्कल्स के फॉर्म्स में ठीक है सो so अब इनकी थ्योरी की मेन पॉस्टुलिट देखते हैं क्या बोलते हैं अपनी थ्योरी में सो so इस थ्योरी का पूरा एसेंस क्या है वॉट इज द एसेंस ऑफ दिस थ्योरी कि जब एक शहर ग्रो करता है इट एक्सपैंड रेडिकली फ्रॉम इट सेंटर टू द डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कल्स और जोन्स ठीक है मतलब एक शहर अपने सेंटर से बाहर की तरफ एक्सपैंड करता है बर्कस ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क इन विच बोथ एस्पेक्ट्स फिजिकल लैंड यूज पैटर्न और ह्यूमन रिलेशनशिप्स दोनों को उन्होंने कंसिडर किया था यानी कि जब उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी ये लैंड यूज की थ्योरी अर्बन लैंड यूज की तो उन्होंने ह्यूमन इकोलॉजी के दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया था पहला एस्पेक्ट क्या था फिजिकल लैंड यूज पैटर्न की लैंड यूज कैसा है और दूसरा ह्यूमन रिलेशनशिप्स ठीक कि उस लैंड यूज़ पैटर्न से कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं वर्गर्स का ये मानना था कि जैसे सिटीज़ एक्सपैंड करते हैं आउटवर्ड्स ठीक है वैसे ही जो लोग का इंटरेक्शन होता है ठीक जो उनका इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो वो बनाते हैं ठीक वो भी एक्सपैंड करता है इन द सीरीज़ ऑफ़ कंसेंट्रिक जोन्स मतलब सिटीज़ का एक्सपेंशन जो कि कंसेंट्रिक सर्कल्स में हो रहा है कंसेंट्रिक जोन्स में हो रहा है वैसे ही उस एरिया के जो इंटरेक्शन है इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल वो भी कंसेंट्रिक जोन्स में एक्सपैंड कर रहा है ओके okay? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उन्होंने डिस्कस किया था वो था कंपटीशन ठीक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वाज कंपटीशन ठीक पार्क एंड बर्गर सजेस्टेड दैट स्ट्रगल फ्रॉम स्कॉर्स अर्बन रिसोर्स स्पेशली लैंड लेड टू कंपटीशन बिटवीन ग्रुप्स एंड अल्टीमेटली टू द डिजन ऑफ अर्बन स्पेस इन टू डिस्टिंगटिव इकोलॉजिकल निशे और नेचुरल एरियाज उन्होंने क्या माना था कि कॉम्पिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट जो स्ट्रगल है अर्बन जो स्कॉर्स अर्बन रिसोर्सेज है अर्बन रिसोर्सेज मतलब जो कि शहरी है, संसाधन है ठीक है जो तो शहर में पाए जाते हैं वो कम है वो लिमिटेड है स्पेशली लैंड बिकॉज अर्बन एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लैंड सबसे ज़्यादा कीमत किसकी होती है लैंड की इसी की वजह से ये जो स्कॉ अर्बन रिसोर्सेज हैं एक शहर में उसकी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन होता है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ठीक अलग अलग समुदाय अलग अलग ग्रुप्स में कंपटीशन होता है जिसकी वजह से जो अर्बन स्पेस है जो अर्बन एरिया है उसमें डिविजन्स या जोन्स देखे जाते हैं इसको बर्गेज ने क्या कहा नेचुरल एरियाज और इन नेचुरल एरियाज में इन एरियाज में जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो लोगों की सिमिलर होती हैं ठीक है थीके? मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बनते हैं हर जोन में जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सिमिलर होंगी ठीक कंपटीशन फॉर लैंड एंड रिसोर्स अल्टीमेटली स्पेशल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्बन स्पेस इनटू जोन्स ये मैंने आपको बताया कि जो कॉम्पटिशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज है इसी में स्पेशल डिफ्रेंसिएशन हुए थे ओके जो मोर डिज़ायरेबल एरियाज हैं उनका हायर रेंट होता है ठीक इसलिए वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गए एंड सिटी सेंटर बन गए ठीक मतलब कि जहाँ पर लोगों लोग आना रहना स्टार्ट कर दिए बिजनेस स्टार्ट कर दिए वहीं वही सिटी वही सेंटर बन गया और वहीं से जो शहर है वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया इन द प्रोसेस इस प्रोसेस को बर्गेज ने सक्सेशन का सक्सेशन जो टर्म है ये प्लांट टेक्नोलॉजी से लिया गया है इसको हम लोग हम आगे देखते हैं सक्सेशन का मतलब क्या होता है सो so, जो अर्बन लैंड यूज मॉडल है ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इन्वेजन एंड सक्सेशन ठीक अब इन्वेजन और सक्सेशन का क्या मतलब है इन्वेजन का मतलब क्या है इट इज़ अ प्रोसेस ठीक जो कि कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ इनर जोन इं आउटर जोन में होता है मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनर जोन से आउटर जोन मतलब कोई भी एरिया है ठीक वो इनर जोन से आउटर जोन में ट्रांसलेट या एक्सपैंड कर रहा है क्यों एक्सपैंड कर रहा है ड्यू टू द एग्रेशन ऑफ द माइग्रेंट इन द सिटी मतलब जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं शहर के अंदर वाइल सक्सेशन क्या होता है कि एक ऐसे एरिया जहाँ पर जिस टाइप के लोग आ रहे हैं उस टाइप का एक्टिविटी उस टाइप के कल्चर उस टाइप की चीज़ से डोमिनेट हो जा रही है उसको हम लोग सक्सेशन बोलते हैं जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास पीपल लोग आके सेटल हो रहे हैं वहाँ पर घर बना रहे हैं तो वहाँ पर उस एरिया में क्या रिच कल्चर डोमिनेट हो जाएगा ठीक और मान लीजिए एक पूरे एरिया में माइग्रेंट लोग ले रह रहे आके पुअर पीपल रह रहे हैं तो वहाँ पर पुअर कल्चर डोमिनेट हो जाएगा सो so, बेसिकली एक ऐसा एरिया जहाँ पर जो लोग वहाँ पर इन्वेट कर रहे हैं जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं आकर के उनके कल्चर से उनके एरिया उनके चीज़ों से डोमिनेट हो जाता है Therefore, concentric zone theory reflects on ongoing conflict between city dwellers and periphery villages. So, zone theory जो है ये reflects ये क्या दिखाती है क्या दर्शाती है जो conflict चल रहा है city dwellers में, जो शहर में रह रहे हैं और जो outer zone पे रह रहे हैं शहर के ठीक it also describes the concentration and segregation of social groups मैंने आपको अभी बताया कि अलग-अलग social groups का segregation होता है या concentration होता है particular zones में ठीक है so उन्होंने इस बेसिस से पांच major concentric concentric zones डिस्कस किए या डेवलप किए जो कि ये हैं पांच जोन कौन कौन से थे पहला जोन कमर्शियल सेंटर है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेकेंड जोन ऑफ ट्रांजिशन थर्ड वर्किंग क्लास रेजिडेंस फोर्थ रेजिडेंशियल जोन एंड फिफ्थ कंप्यूटर जोन तो अब इन जोन को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं ओके तो ये फिगर है जो कि बर्गेश ने दिया था अपनी बुक में ये बुक का ही फिगर है ये उन्होंने वही यही फिगर उन्होंने एज इट इज बनाया था ठीक और उन्होंने सीबीडी को लूप बोला था ही सेट सीबीडी एज लूप उसके बाद फैक्ट्री जोन या of, जोन ऑन ट्रांसिशन फिर जो जोन ऑफ वर्किंग वर्किंग मैंस होम्स फिर रेजिडेंशियल जोन फिर कम्यूटर जोन तो पहला जोन है द लूप और सी बी बर्गर्स ने सी को लूप बोला ठीक और शिकागो में मैं आज तक भी ये लूप ही बोला जाता है ठीक है शिकागो में जो सी है उसको लूप बोलते हैं वे रेज न्यूयॉर्क में इसको डाउनटाउन बोलते हैं ये जो जोन है ये टोटली कमर्शियल है एंड नॉन रेजिडेंशियल है यहाँ पर कोई लोग रेजिडेंस नहीं रहते मतलब रहते नहीं है यहाँ पर ये टोटली कमर्शियल पर्पज़ के बेसिस से बनाया गया है बन होया होता है इसी खास बात क्या होती है कि ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर मेजर रूट्स ऑफ़ द सिटी गेट कन्वर्ज ठीक जो शहर के बड़े बड़े मेन मेन रूट्स होते हैं वो इसी एरिया में आके कन्वर्ज करते हैं या इस एरिया से डाइवर्ट diver, डाइवर्ज होते हैं ठीक यहाँ पर एंड इट इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल जोन द ट्रांसपोर्ट इस जोन में सबसे ज़्यादा एक्सेस कर सक बिकॉज ये जोन बाकी पार्ट ऑफ द सिटी से वेल ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड रहता है अच्छी कनेक्टिविटी होती है इस वजह से इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं ठीक यहाँ पर बहुत सारे ऊंचे-ऊंचे बिल्डिंग्स होते हैं स्क्राइस्क्रैपर्स होते हैं और जनरली ये जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं ये सब कमर्शल एक्टिविटीज़ में डील करते हैं जैसे रिटेल ट्रेड बिजनेस डिपार्टमेंटल स्टोर्स होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बैंक्स ऑफिसस क्लब्स थिएटर्स एक्सेट्रा और जनरली ये देखा गया है कि इसी जोन में जो सिटी के हेडकोर्टर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होते हैं वो इसी जोन में पाए जाते हैं ठीक इस एरिया में जो लैंड प्राइस है वो एक्सेप्शनली हाई होता है बहुत महंगा प्राइस होता है यहाँ पर लैंड का ठीक फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पर दिल्ली में कॉनेट प्लेस है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सीबीडी का या द लूप का सिमिलरली न्यूयॉर्क सिटी में जो मैन है ठीक दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर द सीबीडी या डी या डाउनटाउन और भी इंडियन सिटीज़ में ऐसे बेंगलुरु में एमजी रोड लखनऊ का हज़रतगंज ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ये मेन कमर्शल हब्स हैं इन शहरों के ठीक बट इंडियन सिटीज़ में जनरली ये देखा गया है कि मोर देन वन सी बी डी करते हैं ओके okay, सो so ये हम लोग बाद में कभी देखेंगे जब सी बी वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट जोन जो है जोन ऑफ ट्रांजिशन ये एक ट्रांजिशन का जोन है ठीक इट इज़ अ जोन ऑफ ट्रांजिशन इन विच ओल्डर प्राइवेट आर हाउसेज़र इन द प्रोसेस ऑफ बीन टेकन ओवर फॉर ऑफिसिस एंड लाइट इंडस्ट्री और इन प्रोसेस ऑफ सब डिवीजन टू फॉर्म अ स्मॉलर डेलिंग यूनिट्स ये ऐसा जोन होता है जिसमें जो घर होते हैं पहले से ये या तो फिर ऑफिस के लिए ले जाने वाले होते हैं ठीक ये मतलब प्रोसेस में ट्रांजिशन जोन में है मतलब जो यहाँ पर घर पहले से हैं ठीक वो या तो ऑक्योपाई होने वाले हैं फॉर ऑफिस या वो उनको सब डिवाइड होने वाले हैं इन द प्रोसेस ऑफ सब डिविजन जो कि छोटे छोटे घर बनाने वाले हैं ये वो एरिया है शहर का जहाँ पर सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स अट्रैक्ट होते हैं इस एरिया में पुअर पीपल और लेबरर्स काम करते हैं जो कि बिज़नेस या लाइट मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयड होते हैं दे लिव हेयर ठीक है इट हैज ओल्ड स्ट्रक्चर हाउसेस यहाँ पर रूम्स जो हैं वो रेंट पे अवेलेबल होते हैं लो इनकम पीपल यहाँ पर रहते हैं नैरो स्ट्रीट्स होते हैं जविनाइल डेलिक्सी होती है यहाँ पर फैमिली डिस या सोशल डिसंटीग्रेशन भी देखा जाता है एंड फिजिकल एंड मेंटल डिजीज भी यहाँ पर देखी जाती है सो इट इज़ अ जोन ऑफ ट्रांजिशन ये एक ट्रांजिशन जोन जोन है एक लेस डेवलप से डेवलप्ड की तरफ बनने वाला ठीक है थर्ड जोन है जोन ऑफ वर्किंग लोअर वर्किंग क्लास रेजिडेंस यहाँ पर एक ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करते हैं वो लोग रहते हैं यहाँ के और ऐसे लोग रहते हैं जिनको बहुत आसानी से काम चाहिए ठीक है आसानी से ये अपने काम तक पहुँच पाए ठीक ये जो, जो जोन है ये यहाँ पर ये एक फ़ायदा होता है कि ये जो मेजर जोन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसके बहुत ही करीब सिचुएटेड होता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं उनके लिए काम पे जाना बहुत आसान हो जाता है बहुत इजी हो जाता है सो एक्सेस इज़ वेरी इजी फॉर देयर वर्क जनरली इस एरिया में टोटली वर्किंग क्लास लोग रहते हैं जो लोग वर्किंग क्लास करते हैं और मीडियम इनकम ग्रुप लोग रहते हैं ज़्यादातर इस जोन में मीडियम इनकम ग्रुप लोग पाए जाते हैं इसके बाद जो हमारा फोर्थ जोन है डेट इज़ रेजिडेंशियल जोन ये एक हाई क्लास अपार्टमेंट वाला जोन है जहाँ पर बड़े लोग रहते हैं अमीर लोग रहते हैं हाई क्लास अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पाई जाती हैं यहाँ पर यहाँ पर वो लोग जनरली रहते हैं जो कि एक सर्टेन प्रोफेशन लाइक बैंक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन मैनेजर क्लर्क्स इन सब की जो सर्विस सेक्टर होता है इन सब सेक्टर्स में इन्वॉल्व होता है मल्टी रूम डिंग्स होते हैं मतलब एक घर में ज़्यादा कमरे होते हैं बाहर एरिया खाली होता है जहाँ पर गार्डनिंग की जाती है इस एरिया में प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन पार्किंग फैसिलिटीज इन सब एरिया में रेजिडेंशियल जोन में ये सब पाए जाते हैं नेक्स्ट इन द लास्ट जोन इज कम्यूटर जोन ये कम्यूटर जोन सब अर्बन जोन या सैटेलाइट सिटी भी बोला जाता है ये वो जोन है जो वहाँ पर ये वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो लोग डेली मेन सिटी तक अप डाउन करते हैं काम के लिए ठीक जो यहाँ पर लोग रहते हैं ये हाई क्लास लोग रहते हैं जनरली और इनके जो घर हैं जो इनके रेजिडेंसीज़ हैं वो डेवलप्ड होते हैं अलॉन्ग लाइन्स ऑफ रैपिड ट्रैवल मतलब ऐसी रोड्स वगैरह ऐसे हाईवे जहाँ से ट्रैवल करना बहुत आसान है बहुत तेज है ठीक आर वाइडली स्पेस और बहुत सारी ओपन स्पेसिस होती है बिटवीन टोर्स बिकॉज यहाँ पर जगह बहुत है और यहाँ पर रेंट भी बहुत कम होगा बिकॉज शहर से बहुत दूर है ये और क्योंकि ये जोन एक सब जोन होता है ठीक है इट इज़ अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन अ विलेज एंड अ अर्बन सिटी ठीक तो अर्बन एरिया से सो होता क्या है कि मतलब इसको डिफ़ाइन करना एकदम फिक्स नहीं होता है कि यहाँ पर अर्बन ख़त्म यहाँ से गाँव चालू ठीक सो so, इट इज़ अ जोन ऑफ जैसा सब अर्बन जोन इसको बोलते हैं हम लोग ठीक सो so, होता क्या है जो आसपास के गांव होते हैं वो डोमेट्री सेटलमेंट बन जाते हैं ठीक है जो मतलब जो लोग रोज़ अप डाउन कर रहे हैं उनके लिए घर की व्यवस्था करना खाने पाने की व्यवस्था करना मतलब जो लोग रोज़ अप डाउन कर रहे हैं वो जो है वहाँ पर डॉर्मेट्री सेटलमेंट की तरह बन बन जाते हैं ठीक है और इस एरिया में बहुत ही लो डेंसिटी पाई जाती है सो ये तो हम बात कर ली पाँचों जोन के बारे में ये तो बात हुई कि बर्गेस ने क्या बोला था अपने मॉडल में हमने देखा कि कैसे अलग अलग जोन्स में अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर है जैसे हम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था अलग अलग सिटी स्ट्रक्चर है ठीक है सो बेसिकली ये था हमारे कंसेंट्रिक जोन थ्योरी पर बर्गस अब देखते हैं इस थ्योरी के क्या ड्रॉबैक्स थे क्या क्रिटिसिज्म थे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म कि ये जो थ्योरी थी ये टोटली बेस्ड थी अमेरिकन सिटीज़ के ऊपर सो ये जो थ्योरी अमेरिकन स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में तो बहुत ही एक्सेप्ट की गई बहुत अप्रिशिएट की गई बट बाकी जो शहर थे यू के बाहर वहाँ पर ये काम नहीं कर रहे थे इट वॉज नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड यू बिकॉज जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ है वो डिपेंड होता है वहाँ के सर्कमस्टांसिस के ऊपर वहाँ पर कंडीशन कैसी हैं वहाँ पर, पर परिस्थितियाँ कैसी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वहाँ पर सिटी डेवलप कर रही है ठीक सो so, हर जगह पर सर्कमस्टांसिस अलग अलग होती हैं सो so, ये यू एस तक एप्लीकेबल थी बट यू एस के बाहर जनरली एप्लीकेबल नहीं थी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ वैसे वैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट हुआ ट्रांसपर्ट व्हीकल्स मोटर व्हीकल्स कार्स सब इन सब ने चेंज किया सो so ये मॉडल है इसकी रिलिवेंसी कम होती गई बिकॉज जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ वैसे वैसे लोगों की प्रेफरेंस चेंज होती गई ठीक अब लोग शहर के अंदर नहीं रहना पसंद करते हैं थोड़ा शहर के बाहर रहना पसंद करते हैं बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है मेट्रो है कार है रैपिड रेल है इसकी वजह से लोग बहुत आसानी से आसानी से अपने जो शहर का सेंटर है या उनको ऑफिस समाता है एसेस कर सकते हैं नेक्स्ट इट डज़ नॉट टेक इन टू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस या जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है गवर्नमेंट पॉलिसीज लगाती है या पॉलिटिकल फोर्सेस होते हैं वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में अर्बन शहर में या लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है वो इसमें इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था उसके बाद रियलिटी में कोई भी डिस्टिंग जोन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं ठीक कि ये जोन कम्प्यूटर जोन है इसके बाद मतलब एकदम पर्टिकुलर डिमार्केशन नहीं होता है कोई वहाँ पर बाउंड्री नहीं खींची गई है ठीक सो ओवरलैपिंग भी एग्जिस्ट करती है वो भी इन्होंने डिस्कस नहीं किया और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की प्रेफरेंस भी चेंज होती है उसके बाद ये सिटी बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पर बहुत सारे सी बी डीज एग्जिस्ट करते हैं ठीक ये ऐसी जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पर एक ही सी बी डी है जैसे उन्होंने न्यूयॉर्क की बात की बट इंडियन सिटीज़ में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इंडियन सिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो पाता है बिकॉज इंडियन सिटीज़ में मोर देन वन सीबीडीज एग्जिस्ट करते हैं ठीक एक से ज़्यादा सीबीडीज एग्जिस्ट करते हैं एक से ज़्यादा बड़े बड़े मार्केट्स एग्जिट करते हैं इसकी वजह से वहाँ से अलग अलग पोल्स पे या मल्टीपल न्यूक्लियाई जिसको बाद में एक नई थ्योरी आई थी उसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि कंसेंट्रिक जोन थ्योरी बेसिस पे ठीक सो पॉलीसेंट्रिक सिटी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है सो कुल मिला करके ये इनके ड्रॉबैक्स थे सो अगर हम लोग बर्गस का मॉडल पड़े तो चार पोस्टलेट्स हम लोग बर्गस के थ्योरी से दे सकते हैं पहला जो सिटी सेंटर है इसमें बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं और लाइट मैन्युफैक्चरिंग भी होता है जो एक जोन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पर लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं कंप्यूटर जोन से या हायर क्लास रेजिडेंट से ठीक सो सी बी डी इज़ दिटी सेंटर इज़ द करेक्टराइज बाय बिजनेस एक्टिविटीज़ इन लाइट मैनुफैक्चरिंग सेकेंड पॉस्टुलेट की एंसर्कलिंग सिटी सेंटर्स आर जोस ऑफ डिफरेंट क्लास डिफेंस अलग अलग क्लास के लोग वहां पर पाए जाते हैं जैसे मैंने बोला कि सेकेंड जोन होता है वहां पर स्लम्स का डेवलपमेंट होता है बट जो हाई क्लास सिटीजन जो फोर्थ जोन होता है वहां पर बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं ठीक सो क्लास डिफ्रेंसिएशन इज सीन इन द डिफरेंट जोन्स पुअर पीपल प्रीफर टू लिव नियर द प्लेस ऑफ वर्क वेयर कंडीशन आर पुअर चौथा क्या होता है तीसरा पॉस्टुलेट क्या है कि जो पुअर लोग हैं जो गरीब लोग हैं वो शहर के पास ही रहना पसंद करते हैं बिकॉज काम के लिए वहाँ से उनको काम में पहुँचना आसान होगा इसलिए स्लम्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है या घिटों का और जैसे जैसे हम लोग शहर से बाहर जाते हैं वैसे वैसे हाई क्लास रेसिडेंट ड्वेलिंग्स या बेटर क्लास रेसिडेंट डिंग्स हम लोग को देखने को मिलती हैं सो ये चार कुल मिलाकर के पोशलेट्स बोल सकते हैं हम लोग जो बर्गस के मॉडल से हम लोग इन्फर कर सकते हैं बाकी कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में या मेरे सोशल मीडिया हैंडल से आप मुझसे बात कर सकते हैं जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है And thank you for watching and Jai Hind.